कितने माह की हामला थी आप? मैं 8 माह से हामला थी और उससे मुझे दिक्कत है, मैं नीचे गिर गई थी। मेरा बच्चा फोत हो गया, वो भी इस दुनिया में आया ही नहीं था। उसका क्या कसूर था कि उसने उसका भी कत्ल कर दिया? दिन छुट्टियां दी है, उस दिन बच्चों को धमकियां लगाई है कि अब अपना बंदोबस्त कर लेना, मैंने अगवा कर लेना, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को पता भी नहीं लगना। घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, फौरी तौर पे उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने कहा आपका बच्चा फिर में फोत हो गया। आगे गई हूँ, मेरा उस्ताद था, मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे ना करो, उसने मुझे थप्पड़ मारा। आता है, आके धमकियां देने लग जाता है औरतों के बीच, कहता है लाओ इधर चारपाई ला के बिछाओ, औरतों में हम भी बैठते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाजरीन, जायदाद के तनाजे ने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जो कि इस दुनिया में अभी आया भी नहीं था। ये खातून, ये बच्ची जो आप हमारे साथ देख रहे हैं, इनकी कोई जायदाद थी, यानी कि इनके वालिद की कोई प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर यहाँ के जो बासर इनके इलाके के लोग थे वो कब्जा करना चाहते थे, और उनकी जो जमीन थी उनकी चार दीवारी थी, उनकी चार दीवारी को तोड़ के वो वहाँ पे कब्जा करना चाहते थे। जब इनके वालिद को पता चला कि मेरी जमीन पे ये लोग कब्जा करने जा रहे हैं, तो इनके घर वाले वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि इनका जो प्लॉट था उसकी चार दीवारी को तोड़ा जा रहा था। इसी दौरान आपस में लड़ाई होती है, हाथापाई होती है। आगे के मामला क्या है, इनका बच्चा क्यों जाया हुआ, क्यों इस दुनिया में आने से पहले ही वो अल्लाह को प्यारा हो गया, ये हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जैनब। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा जैनब, बच्चे ये बताइए कि ये क्या मामला हुआ था, आपके वालिद साहब की लड़ाई हो रही थी तो आप पीछे गई, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? इधर आए वो कब्जा ग्रुप करने आए हमारी जायदाद पे। कौन लोग हैं वो जो कब्जा करना चाहते थे, वो कौन थे? मुजम्मिल शाह उसका नाम है, इधर रहता है मोहल्ले में ही, टीचर है, उसके पास हम पढ़ते रहे हैं। यानी कि वो शख्स जो है वो आपका उस्ताद भी है जी। जिसकी वजह से आपका आज बच्चा इस दुनिया में नहीं है जी। ठीक, वो आया है काफी ज्यादा लड़के लेके आया इधर, तशद्दुद किया उसने, असला लेके आया इधर, फायरिंग वगैरह उसने की है। हम सब अपने घरों पे थे, अंदर बैठे थे, बाहर वो दीवारें तोड़ने लग गया हमारे घर की। हम अब मेरे अब्बू लोग बाहर गए हैं, वो गए हैं कि आपस में वो हाथापाई होने लग गए, लड़ने लग गए, तो फायरिंग उसने शुरू कर दी है। मैं डर के बाहर भागी हूँ, मेरे अब्बू थे बाहर, मेरे बड़े अब्बू सब थे, चाचू थे, मेरी बहनें थी बाहर, सारी बाहर शोर कर रही थी, मैं डर गई, मैं बाहर भागी हूँ, तो मैंने देखा सारे लड़ रहे हैं आपस में। कितने लोग थे वहाँ पे? तकरीबन 20-30 लोग थे जो कब्जा करने आए थे, आपके उस्ताद समेत जी। ठीक, काफी लोग थे, वो आपस में एक दूसरे पे हाथ उठा रहे हैं, मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, वो कर रहे थे फायरिंग, तो मैं डर के अब भागी हूँ, बाहर गई हूँ, मैंने देखा कि आपस में लड़ी जा रहे हैं। मैं आगे गई हूँ, मेरा उस्ताद था, मैंने उनसे बोला कि आप ऐसे ना करो, उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसने मुझे धिक्का दे दिया। उसने देखा नहीं कि आप किस हालत में है? नहीं, उसने देखा भी होगा तो उसने अनदेखा। कितने माह की हामला थी आप? मैं 8 माह से हामला थी और उसने मुझे धिक्का दिया, मैं नीचे गिर गई थी। अल्लाह माफ़ी दे। देखिए नाज़रीन, ये जुल्म की इंतहा है कि एक बच्ची जो 8 महीने की हामला है और वो अपने बाप को बचाने जाती है, सुनती है शोर कि पता नहीं क्या बात होगी, मेरे वालिद को कोई मार रहा है, तो जाके देखती है, लेकिन उसी दौरान अपने बच्चे से ये हाथ धो बैठती है, ऐसे ही है जी। अच्छा, मैं नीचे गिर रही हूँ, मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई है, तब घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए हैं, हॉस्पिटल लेके गए हैं, फौरी तौर पर उन्होंने चेकअप किया, उन्होंने कहा आपका बच्चा फिर में फोत हो गया। बेटा था जी? पहले भी बच्चे हैं आपके? एक बेटा है मेरा, मेरा बच्चा फोत हो गया, वो भी इस दुनिया में आया ही नहीं था। उसका क्या कसूर था कि उसने उसका भी कत्ल कर दिया? ये उसने उसका कत्ल किया है। मेरा बच्चा फोत हो गया, उस डॉक्टरों ने कहा फौरी तौर पर इसका ऑपरेशन किया जाए, उसी वक्त 1 घंटे के अंदर अंदर लड़ाई झगड़ा सब कुछ और मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके दौरान हम घर आए हैं, अभी घर आए हैं, जब ऑपरेशन के 3-4 दिन बाद हॉस्पिटल से हम घर वापस आए हैं, उसने फिर हमारे ऊपर पर्चा करवा दिया, हमारे घर के मर्दों पे पर्चा करवा दिया, फिर
भी। अच्छा, एक तो आपका बच्चा जो है वो उसके धक्के की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहा, फिर उल्टा आपको ही उल्टा आप लोगों पर ही उन्होंने पर्चा करवा दिया। जी, हमारे ऊपर पर्चा करवा देते हैं, हमें धमकियां देते आप समेत। जी, आपका भी नाम है एफआईआर में? नहीं, हमारे घर के मर्दों पे। अच्छा, हमारे घर के मर्दों पे पर्चा करवा देता है। हमारे घर के मर्द जाहिर है वो पर्चा करवाता है, पुलिस आती है लेने, वो घर से इधर उधर हो जाते हैं, कुछ काम पे गए होते हैं, हम उधर बैठे होते हैं, वो आता है आके धमकियां देने लग जाता है औरतों के भी, कहता है लाओ इधर चारपाई ला के बिछाओ औरतों में, हम भी बैठते हैं इधर आके हमारी जगह पे कब्जा। वो आपको कहता है कि अपने ही घर में चारपाई बिछाओ और आपके घर की जितनी औरतें हैं उसके अंदर हम मर्द लोग जो है वो बैठेंगे? जी। अच्छा, तो आप लोगों में से किसी ने कंप्लेन नहीं की है, कोई गया नहीं है कि उनके ऊपर एफआईआर करवाएं, ये सारा वाकया बताएं कि जुल्म तो आपके साथ हो रहा है और हुआ भी है? हमने कंप्लेन की है पुलिस में, थाने में, सब में, अदालतों में गए हैं, कचहरियों में गए हैं, कोई नहीं हमारी सुनता। वो कहता है कि जाओ चले जाओ जिधर जाना है, थाना भी मेरा है, पुलिस भी मेरी है, अदालत भी मेरी है, सब। ये अल्फाज कौन कहता है कि पुलिस भी मेरी है, थाना भी मेरा है, कचहरी भी मेरी है? जो कब्जा करने आए थे। वो कब्जा ग्रुप है कौन है, किससे ताल्लुक है उनका? हमारे रिश्तेदार तो नहीं है, टीचर है वो, हम उस्ताद है, शाह है वो, इधर गांव के ही लोग हैं, इधर रहते हैं। तो बस वो आया और कहते थाना भी मेरी है, कचहरी भी मेरी है, वकील है वो ऊपर से साथ, और बस उस वकील वकालत का वो फायदा उठा रहा है। जिसको आप अपना उस्ताद कह रही हैं वो वकील भी है, मतलब उसका पेशे में वो वकालत करता जी, है? जी, वो अच्छा। वकील भी है तो अच्छा। वो वकालत तो उसने पास की है लेकिन उल्टे काम कर रहा है वो, नजायज वो जो जगह है वो हमारी है, हमारी मलकियत है, हम उसके हकदार हैं, मेरी जवान बहने हैं उधर रहती हैं, वो आके दोबारे तोड़ के हमें बेपर्दा कर गया, ऊपर से ये इतना बड़ा मेरे बच्चे का कत्ल कर गया ऊपर से वो। अच्छा, ये जो आपके साथ मामला हुआ है इसकी आपने एफआईआर नहीं करवाई? मुझे खुद होश नहीं थी इतने। आपके घर वालों ने करवाई हो? करवाई होगी लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, बताया भी हो लेकिन मुझे होश ही नहीं थी इतने दिनों से, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मुझे कुछ पता ही नहीं। अगर एफआईआर करवाने जाते हैं वो उल्टा ही। आप इनकी वालदा? जी। अच्छा। तो हम लोग जाते हैं तो वो हमारे पे उल्टी करवा देता है, वो कहता हर चीज तो मेरी है, वो कानून को पैसा दे के खरीद लेता है, हम इतने हमारे पास कौन सा हराम की कमाइयां, 600-700 ये रात को लेके आते हैं, उसमें पुलिस को क्या दें और हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं? पुलिस पैसे मांगती है आपसे? पैसे मांगती है, वो कहती है आज इतने हजार रख दो, आज इतने हजार, हम इतने हजार कहाँ से लेके आए, कहाँ से उनको दें? तो मतलब उनका ये है कि पैसे दो तो फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई करेंगे, फिर हम लोग अगर दे भी देते हैं तो फिर हमसे ज्यादा वो फेंक देता है तो वो फिर उनके साथ बिक जाती है पुलिस, जो कोई भी हमारी नहीं सुन रहा। हमारी मरियम नवाज से यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, मेरे बच्ची का जो बच्चा कत्ल किया उसके लिए हमें इंसाफ चाहिए, इसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हैं किसी इदारे को, हुकूमती नुमाइंदे को? मैं बस मरियम नवाज से ही मेरी गुजारिश है उनसे कि अगर वो वाकई में औरतों का साथ देती हैं तो उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरे बच्चे का उसने कत्ल किया जिस शख्स ने, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके वकालत का लाइसेंस कैंसिल किया जाए, उसके वकालत से बादखल किया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमारी और हमारी जायदाद पढ़ती हैं, उनको वो धमकियां देता है कि भाई मैं तुम्हें अगवा कर लूंगा, किसी को पता ही नहीं लगेगा तुम्हारे माँ बाप को किसने किया है किसने नहीं किया, एक मेरा बेटा पढ़ता है, दो हमारी बेटियां पढ़ती हैं। अभी भी ये सारा वाकया होने के बावजूद आप बच्चों को भेज रहे हैं? अब नहीं जा रहे, जब ये वाकया 15 दिन से पहले से बच्चे हमारे जा रहे थे, यानी कि ईद वाले दिन एक दिन पहले उन्होंने छुट्टियां दी है बच्चों को, उसके बाद उसने जिस दिन छुट्टियां दी उस दिन बच्चों को धमकियां लगाई है कि अब अपना बंदोबस्त कर लेना, मैंने अगवा कर लेना लेकिन तुम्हारे माँ बाप को पता भी नहीं लगना। अच्छा, आपकी जवान बेटियों को वो कहता है कि मैं अगवा कर लूंगा, अगवा कर लूंगा, ये जंगल का कानून है, कहाँ रह रहे हैं? बस ये अब कानून को ही पता होना जो हमारा साथ नहीं दे रहे। हम तो इतना रो रो के भी आए हैं, वो डीपीओ के उधर जाके कचहरियों के आगे भी पीट के आए हैं, कोई हमारी सुन ही नहीं रहा। नाज़रीन, ये वाकई जब हम इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि जैसे हम किसी जंगल में रहते हैं जहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे सिर्फ पैसा बोलता है। और देखिए नाज़रीन, ये 8 महीने की बच्ची हमला थी, इसके साथ जुल्म हुआ कि अपने बाप को बचाने गई लेकिन इसका बच्चा ज़ाया हो गया, लेकिन
इसके बावजूद कोई इदारा इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जहां जाते हैं इनको वहां पर रुसवाई मिलती है, आंसू लेके ये वापस आते हैं। तो ये मरियम नवाज साहबा, आपसे थोड़ी गुजारिश है कि आप इस तरह के मामला बहुत देखती हैं, जहां पे आपकी जरूरत नहीं होती है वहां पे भी पहुंच जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये आपकी बहन है, आपकी मुल्क की बेटी है, आपकी कौम की बेटी है, तो यहाँ पे आपकी जरूरत है, आप यहाँ पे आए, इनका मसला देखें और इनकी मदद करें। बुशरा शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।